हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यामा बाइक का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यानी कि उनकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। मेरे पास है FZ16 लिमिटेड एडिशन मेरे दोस्त एड्रियन की, और ये बाइक है लगभग 12 साल पुरानी। 2009 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था नवंबर में। इसका इंश्योरेंस भी फिलहाल एक्सपायर्ड है। 2 साल से ये गाड़ी बंद पड़ी हुई है, बिल्कुल कोई मेंटेनेंस नहीं है। इस गाड़ी को चालू भी नहीं किया गया और अब ये गाड़ी चालू नहीं हो रही है। बैटरी डेड हो चुकी है, पेट्रोल भी ड्राई हो चुका है। इसको रीस्टोर हमें करना है और इसका सारा का सारा जो पुराना चार्म है वो दोबारा इसे लौटाना है। इस गाड़ी को वापस से एक्शन में लाना है, फिर इसको ग्रुप राइडिंग में हम लोग इंक्लूड करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग में इंक्लूड करेंगे। एंड एडियन इज वेरी एक्साइटेड क्योंकि गाड़ी बहुत बढ़िया है और एडियन की बहुत मेमोरीज भी इसमें जुड़ी हुई है। मैंने भी इस गाड़ी को आखिरी बार 2013 में चलाया था। इंडिया में FZ 2008 से बनती आ रही है और जो 2009 में FZ16 लिमिटेड एडिशन आई थी, ये वाली जिसमें व्हाइट अलॉयज थे, ये 153 सीसी वाली एयर कूल्ड मोटरसाइकिल थी। 4 स्ट्रोक एंड 2 वाल्व्स इसमें थे। 5 स्पीड गियरबॉक्स था इसमें। 14 BHP और 14 Nm मैक्सिमम ये जनरेट कर पाता था। फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक इसमें मिलते थे। लगभग 70,500 रुपए की कीमत थी एक्स शोरूम और 12 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक भी था। ब्रांड न्यू में ये गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती थी, बहुत ही चार्मिंग, और रोड प्रेजेंस भी इस गाड़ी का बहुत बेहतरीन था। 2 साल पहले एडियन ने बलेनो खरीद ली, उसके बाद में उसने इस बाइक को चलाना बंद कर दिया था और अब मेरे राइडिंग वीडियोस देखकर उसको भी मन हो रहा है कि वो मेरे साथ राइडिंग पर जाए, इसलिए वो अपनी बाइक को रिस्टोर करना चाहता है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही है कि डेड बाइक को लेकर के जाना है, जिसका इंजन और गियरबॉक्स तो हमको यकीन है कि वो अच्छा ही होगा, लेकिन बिना बैटरी के तो उसको चला नहीं सकते। गाड़ी के टायर्स में हवा भी नहीं है तो उसको धकेलते धकेलते लेकर जाना पड़ रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी FZ को चालू रख करके पीछे से धक्का देने की, लेकिन ये काम मैंने कोई पहले तो किया नहीं है, सिर्फ दूसरों को करते देखा था, तो मुझे नहीं जम रहा है एग्जैक्टली ये काम करते हुए। बट समहाउ हम दोनों स्ट्रगल करते करते इस गाड़ी को वहाँ पर लेकर जाने की कोशिश करें कि एक नियरेस्ट पेट्रोल पंप पर पहुँचा दें, वहाँ पर हवा भी भर लें, पेट्रोल भी थोड़ा सा डाल देंगे, और फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद में कोशिश यही रहेगी कि इसको सर्विस सेंटर तक पहुँचाया जा सके, जो कि 5 किलोमीटर लगभग यहाँ से दूर है। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में फाइनली हम लोग पेट्रोल स्टेशन पहुंच गए और मैंने अपनी FZ में भी थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारा स्ट्रगल मेरी FZ को भी करना पड़ेगा। वहां दूसरी तरफ एड्रियन अपनी FZ में पेट्रोल डलवा रहा है और उसको फिर एयर रिफिल भी करनी पड़ेगी टायर में। लकीली इस पेट्रोल स्टेशन पर सारी सर्विस अवेलेबल है और यहां से और लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर हम यामा सर्विस सेंटर लेकर जाना है गाड़ी को, क्योंकि इसके इंजन में इंजन ऑयल बदलना है, ऑयल फिल्टर वगैरह बदलना है, बहुत सारा काम बाकी है। लकीली थोड़े से धक्का मारने के बाद में इसकी FZ चालू हो गई और हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए ये देख करके कि गाड़ी में बस हवा डाली, पेट्रोल डाला, थोड़ा सा धक्का दिया और गाड़ी चालू। मतलब 12 साल पुरानी गाड़ी अभी भी दमदार है, चलने में भी बढ़िया लग रही है। थोड़े बहुत इनएफिशिएंसीज होंगी, वो सब सर्विस सेंटर में ठीक हो जाएंगी। और फाइनली हम लोग आ गए हैं ताश्री यामा सर्विस सेंटर में, जहाँ पर मैं हमेशा अपनी FZ की सर्विस करवाता हूँ और बेस्ट सर्विस नागपुर की यहाँ पर अपने को मिल जाती है अपनी बाइक के लिए। तो यहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। चाबी भी आप देखोगे तो FZ16 की चाबी मेरी FZ की चाबी जैसी दिख रही है। एंड वॉट अ नाइस डे, आज हमको नया FZ का स्टॉक भी देखने को मिल रहा है ट्रक से अनलोड होते हुए, तो दिस इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग। बहुत सारे नए FZN भाइयों को अपनी बाइक जल्दी ही मिलेगी ऐसा मालूम पड़ रहा है देख करके। और कभी भी यामा का ट्रक अनलोडिंग में देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टॉक उनका FZ वाला ही रहता है, विच टेल्स अस कि यामा की शोरूम में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी FZ और FZS ही है। 2021 में इस गाड़ी ने बहुत सारे नए कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट्स भी लाए, जिसकी वजह से इसका चार्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो दैट्स ऑल्सो वन रीजन। आप अपनी FZ की सर्विस अगर देखें तो उसमें सबसे पहला काम तो बैटरी रिप्लेसमेंट का है, तो पुरानी बैटरी निकाल करके बैटरी के स्टोर पर लेकर जाएंगे और बायबैक में नई बैटरी थोड़ी डिस्काउंटेड रेट में ले पाएंगे। फिर बाद में इसका इंजन ऑयल वगैरह का काम होगा, वॉशिंग वगैरह होगी, फिर इसको हम लोग लेकर जाएंगे कुछ एक्सेसरीज वगैरह के लिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ FZS वर्जन 1 भी खड़ी हुई है, जो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन मालूम पड़ रही है, कॉस्मेटिकली वो दिखने में भी अच्छी लग रही है। अब दूसरा दिन हम लोग लौट कर आए सर्विस सेंटर में, तो सर्विस गाड़ी की कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ वॉशिंग बाकी थी। तो मैं पहले पहुंच गया यहाँ पर, एड्रियन अभी तक पहुंचा नहीं है। एड्रियन आएगा उसके पहले मैं बस देख लेना चाहता था बाइक पूरी तरह से रेडी है या नहीं, बट इंजन चालू वही करेगा। पर मीनवाइल मैंने क्या देखा, शुभम दुबे यहाँ पर आ चुके हैं। शुभम दुबे इज एन इंस्टाग्राम फॉलोवर एंड यूट्यूब सब्सक्राइबर ऑफ मी, और यहीं नागपुर में रहते हुए FZS डार्क नाइट यूज़ कर रहे हैं, सारे वीडियोज अपने देखते हैं और ये बहुत जल्दी अपने साथ में ग्रुप राइडिंग में भी जुड़ जाएंगे। शुभम के पास में भी बाइक के नंबर वाला फोटो वाला कीचेन है, जो सेम डिजाइन अपन ने आलोक भाई को दी थी उसकी FZ25 के लिए कुछ टाइम पहले। और शुभम अपनी गाड़ी को लेकर के 10,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका है, टूरिंग वगैरह भी वो करते रहता है, और उसने एक LED ऑक्सिलरी लैंप्स भी लगाए हुए हैं जो कि बहुत शानदार भी दिख रहे हैं और इल्यूमिनेशन भी इनका जोरदार लग रहा है। तो आई एम श्योर लेट नाइट टूरिंग करने में और ये एडवेंचर ड्राइव वगैरह करने में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब फाइनली एड्रियन भी यहाँ पर आ गया, उसने अपनी गाड़ी को चालू करके देखा, इंजन चालू हो गया।
तो गाड़ी की सर्विस तो कंप्लीट हो चुकी है। इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें करवाई गई है इसको रिस्टोर करने के लिए वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले इसका वॉशिंग वगैरह हो जाएगा। हम लोग इलेक्ट्रिकल चेक कर लेते हैं कि इसमें लाइट्स कौन कौन से काम कर रहे हैं। पार्किंग लैंप वर्क कर रहा है, इंडिकेटर्स भी वर्क कर रहे हैं सारे साइड्स के, और बस हॉर्न वर्क नहीं कर रहा है। तो हॉर्न का इंपॉर्टेंस तो रहता है, उसका नया ड्यूल हॉर्न लगाने वाले हैं हम लोग, जैसा मेरी बाइक में लगा हुआ है। हेडलाइट अगर देखें तो हेडलाइट में पार्किंग लैंप के अलावा अपर डिपर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो वी आर नाउ अश्योर्ड कि ये बाइक रेडी है लगभग कहीं पर भी ले जाए जाने के लिए और डेली यूजेज के लिए भी। बस इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस हम लोग कुछ ऐसे करेंगे कि यूटिलिटी भी अच्छी हो जाए, दिखने में भी अच्छी लगे और चलाने वाले को चलाने में मज़ा भी आए। आज भी सर्विस सेंटर में एक लंबी क्यू है गाड़ियों की सर्विसेज के लिए। कुछ गाड़ियां तो ऐसी है जो मैंने अपनी एफजी सर्विस करवाई थी उस दिन दिख रही थी, अभी तक यहीं खड़ी है। शायद उनके ओनर्स को डिलीवरी की कोई खास जल्दी नहीं है। R15 और एफजी की सबसे ज़्यादा भरमार रहती है सर्विस सेंटर में हमेशा। MT15 बहुत कम देखने को मिलती है, आई एम नॉट श्योर वाई, बट R15 और FZ सबसे ज़्यादा फेवरेट बाइक्स हैं नागपुर के लोगों की। आप लोगों के शहर में कौन सी गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा दिखती है यामाहा की, वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, आई वुड रियली लव टू नो। यहाँ सर्विस स्टेशन के अंदर भी बहुत सारी गाड़ियाँ क्यू में लगी हुई हैं। अगर किसी को बाइक सर्विस आज करवाने के लिए देनी है तो डेफिनेटली कम से कम एक या दो दिन के बाद ही मिल पाएगी, इतनी लंबी क्यू दिख रही है यहाँ पर। तो अपनी FZ16 लिमिटेड एडिशन अब धुल के तैयार हो गई है, सर्विस भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिश वगैरह हो रही है, थोड़ी सी शाइन हो जाएगी गाड़ी की तो थोड़ी सी तो भी अच्छी लगेगी। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग रिप्लेस नहीं कर पाए, बट जो जो किया है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो बैटरी बदल दी हम लोगों ने, उसका खर्चा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उसके बाद में जो फ्रंट फोक्स हैं उसमें ऑयल सील जो है वो खराब हो चुकी थी, इतने सारे किलोमीटर चलने के बाद होता ही है, तो ऑयल सील बदल दी गई है, तो अब कोई ऑयल लीकेज वगैरह नहीं है और फ्रंट फोक भी अब बढ़िया काम करेंगे। सस्पेंशन जो है पॉटहोल्स और जग्स को अच्छा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। उसके बाद हमने इंजन ऑयल बदला, ऑप्टिमा प्राइम जो लगता है यामाहा लुक का वो डाल दिया है इसमें, और ऑयल फिल्टर भी चेंज कर दिया है। इसके अलावा एयर फिल्टर चेंज हुआ है गाड़ी में। और चेन जो है, चेन में पूरी की पूरी क्लीनिंग हुई है, रस्ट क्लीनिंग की गई है, चेन लुब्रिकेशन भी किया गया है। फिर भी चेन पुरानी है तो थोड़ी सी दिखेगी वैसी, बट परफॉर्म अच्छा ही करेगी अभी भी। आई वुड सजेस्ट एड्रियन कि इसको बदल दे, कुछ 1000 किलोमीटर चलाने के बाद इसको चेंज कर सकता है वो। बाकी तो उसका सस्पेंशन वगैरह का कोई प्रॉब्लम था नहीं। यामाहा कंपनी अपनी एफजी में मोनोशॉक सस्पेंशन शुरू से ही दे रहे थे, तो वो सस्पेंशन तो यहाँ पर अभी भी इंटैक्ट है और इसकी वर्किंग में भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। गाड़ी की स्टेबिलिटी का टेस्ट अपन हाईवे पर जाकर के करेंगे, तो मैं आपको कंफर्ट और स्टेबिलिटी दोनों का रिव्यू दे दूंगा इस गाड़ी का, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी जो इसका फ्रंट डिस्क ब्रेक का मास्टर सिलेंडर है, यानी कि फ्रंट डिस्क ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर, उसके अंदर फ्लूइड भर दिया गया क्योंकि वो खत्म हो गया था, तो ब्रेक का इंपैक्ट कम हो गया था, और ऐसे छोटे मोटे थोड़े बहुत काम इसमें करवाए गए हैं। इसके अलावा जो इसकी चाबी है तो लॉकिंग सिस्टम दोनों वर्क इतने अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ का सोचना पड़ेगा। इंडिकेटर जो है वो लेफ्ट साइड का टूट के नीचे गिर गया है, तो वो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से ऑफिशियल एक्सेसरी लेने की जगह गौरव एक्सेसरीज में जाएंगे और वहाँ पर नए कुछ एक्सेसरीज वगैरह देखेंगे। एडियन को LEDs वगैरह दिखा दूंगा मैं, उसे जो पसंद आएगा वो वहाँ पर लगा लेंगे। उसका वीडियो मैं आपको अगले बार दिखाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में आपको आज सिर्फ रिस्टोरेशन दिखाना है, अगले वीडियो में मॉडिफिकेशन Part 1, फिर उसके बाद वाले वीडियो में मॉडिफिकेशन Part 2, जैसे मैंने मेरी FZ का दिखाया था। तो पूरी सर्विस अब हो चुकी है, तो फाइनली बिलिंग कर लेते हैं और खर्चा मैं आपको बता देता हूँ टोटल बिल कितना हो गया है अपना। 3,326 रुपीज़ का खर्चा हो गया है। और अब इसको मैं राइड पर लेकर जा रहा हूँ, एडियन मेरे साथ ही बैठा है और हम लोग गौरव एक्सेसरीज की तरफ ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का मॉडिफिकेशन आज ही करना है, बार बार टाइम नहीं मिलता साथ में जाने का। तो आज टाइम निकाला तो फुर्सत से ये काम कर लेते हैं। थोड़ी सी राइड देख करके मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि आप ये गाड़ी अब चल कैसी रही है। एक्सेलरेटर का केबल थोड़ा सा ना मुझे लगता है लूज करने की जरूरत है, बहुत हार्ड हो गया है, अदरवाइज सब कुछ अच्छा लग रहा है। गाड़ी में राइडिंग फील बहुत अच्छी आ रही है, मैं भी इस गाड़ी को इतने सालों में चला रहा हूँ। बाकी तो उसका राइड रिव्यू मैं आपको अगले वीडियो में ही दूंगा, जब मैं गौरव एक्सेसरीज का बाकी सारा अपग्रेड आपको दिखाऊंगा। अगले वीडियो में आपको बहुत सारी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, इसमें लगने वाली अच्छी अच्छी एक्सेसरीज, ड्यूल हॉर्न, LED हेडलाइट्स, LED इंडिकेटर्स एंड अ लॉट मोर थिंग्स। तो इस वीडियो सीरीज में आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको फ्यूचर वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड राइड सेफ।